नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है अंचल के प्रसिद्ध पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी में कार्य समिति के सदस्य जिन्हें हाल ही में निष्कासित किया गया है, सुरेन जी सेठी साहब। आइए बात करते हैं उमराव सिंह गुर्जर के ऊपर, जिन्हें अभी अभी वो जो अभी अभी पार्टी में शामिल हुए हैं। सर, क्या प्रतिक्रिया देंगे? सर, पहले तो मैं मेरे बारे में ही प्रतिक्रिया दे देता हूँ कि न तो मैंने कोई चोरी करी, न मैंने कोई गुंडागिरी करी, न मैंने किसी भाजपाई को कूटा पीटा, न कोई मैंने लंबे समय तक कोई गुंडागिरी का माहौल बनाया। तो मेरे और बल्कि नगरपालिका चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मैंने जम के काम किया भाजपा के लिए, तो मेरे सरीके आदमी को तो निकाल दिया जी। और जो जिन पे यही आरोप लगाते आए, मैंने नहीं लगाए, ये भाजपा वाले ही आरोप लगाते आए कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये वैसा, उसको ले लिया। तब इसमें क्या है? आज मैं सुबह से 5-25-50 कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, जो मेरे से मिले भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो है कांग्रेस में तो जश्न का माहौल है और भाजपा कार्यकर्ता हताश है। उनको लग रहा है ये क्या हो गया, अब उसके रिपरकेशन दिखेंगे। आज ही देख लेना मंडी में, आज ही मंडी में तांडव नृत्य मचता नजर आएगा। फिर मंडी के चुनाव होएंगे, फिर जिला पंचायत के चुनाव होएंगे, तो ये भाजपा के छोटे मोटे कार्यकर्ता है ना गांव वोट लड़े के, ये उस दिन कैसे आहत महसूस करेंगे, कैसे इनके ठुट पड़ेंगे और ये कैसे मैदान से बाहर जाएंगे, ये सब अब देखने को मिले। अभी हाल ही में उमराव सिंह जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उन पर आतंकवादी, बदमाश, गुंडा टाइप के आरोप लगे। सर, तो मैंने थोड़ी कहा, ये तो भाजपा ही लगाते थे जी, मेरे बारे में तो नहीं लगाया कि मैं आतंकवादी, मैं गुंडा, मैं बदमाश, मैं उठाई गिरा, मेरे बारे में तो नहीं लगे। पर मेरे सरीके का आदमी को तो ये स्वीकार ही नहीं कर पाए, वो जिन पे ये आरोप लगाते थे उनको इनने स्वीकार कर लिया। तो ये नया भाजपा है, ये नया भाजपा का नया कल्चर है। अब इसके पीछे क्या खेल है, क्या खेल नहीं है, अब ये तो मैं नहीं जानता। सर, क्या प्रभाव देखते हैं भारतीय जनता पार्टी पे भी और कांग्रेस पे भी? नहीं, मैंने बोला ना कि आज सुबह से मैं 5-50 कार्यकर्ता मेरे से मिले हैं, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है, भाजपा के कार्यकर्ता भी है। तो भाजपा का कार्यकर्ता तो मेरे को इस घटनाक्रम से हताश नजर आता है और कांग्रेस का कार्यकर्ता तो खुश है कि अच्छा रहा, पिंड छूटा। और मेरे पास तो ये भी खबर है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आज गांधी भवन में फटाके छूट जाए और मिठाई बढ़ जाए। तो आप थे सुरेन जी सेठी साहब, जिन्होंने उमराव सिंह गुर्जर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पे टिप्पणी की। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।